सब्सक्राइब करिए आर्यवर्त इंडिया यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाइए सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और ये एकदम फ्री है। हे गाइस, स्वागत है आपका आर्यवर्त इंडिया में। दोस्तों, नमक जिसे हम रोज़ अपने खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं, नमक का उपयोग तो हम चुटकी भर ही करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उस चुटकी भर नमक में कितनी ताकत है? वह चुटकी भर नमक आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। ऐसी बहुत सारी लाइलाज बीमारियां हैं जिनका उपयोग केवल नमक के दम पर किया जा सकता है। तो चलिए जान लेते हैं आज नमक के बारे में कुछ ऐसी ही रोचक बातें, जिन्हें जानने के बाद आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि क्या नमक से इस तरह की बीमारियों का इलाज भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, नमक हमारे भोजन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यदि भोजन में नमक ना हो तो सब मसाले बेकार हैं। यह भोजन का स्वाद तो बढ़ाता ही है, साथ ही भोजन को पचाने में भी सहायक होता है। नमक खून, मांस और हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखता है। नमक की कमी से पाचन शक्ति बिगड़ जाती है, हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती हैं और खून की गति में शिथिलता आ जाती है। बलगम खांसी में नमक की डली मुंह में रखने से खांसी कम हो जाती है और बलगम पतला होकर बाहर निकल जाता है। बीमारी की दुर्बलता या शिथिलता के लिए गर्म पानी में थोड़ा नमक डालकर उस पानी से नहाएं, साथ ही गरारे करें। गले की खराश या गला बैठ जाने पर गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करने से बहुत अधिक लाभ होता है। आँखों में खुजली हो रही हो तो आँखों में खुजली होने और धुंध हो जाने पर लाहौरी नमक को बारीक पीसकर सलाई की सहायता से काजल की तरह आँखों में यदि आप इसे लगाते हैं तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। नज़ला और जुकाम होने पर गर्म पानी में थोड़ा नमक मिलाकर पीने से लाभ होता है। नमक बहुत थोड़ा ही इस्तेमाल करें, ज़्यादा नमक लेने से को हो सकती है। नमक पानी से नाक अंदर से धोएं तो आप देखेंगे कि जुकाम आपका बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा। तो ये थे नमक के कुछ ऐसे फ़ायदे जो आपको जानना ज़रूरी थे, ताकि आप इस तरह के उपयोग करके इनका अपने स्वस्थ जीवन को जी पाएँ। तो उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आई होगी। इस तरह की और जानकारियों के लिए आप चैनल को उम्मीद है सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो को लाइक करिए, सोशल मीडिया पर शेयर करिए और कमेंट करिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।